भारत पाकिस्तान मैच में एक बड़ा विवाद हुआ जिसकी चर्चा अब तक चल रही है। यह नो बॉल यानी फ्री हिट कंट्रोवर्सी है। आखिरी ओवर में जब टीम इंडिया को 16 रन चाहिए थे, तब स्पिनर मोहम्मद नवाज ने कोहली के सामने फुल टॉस बॉल डाली थी जिसे अंपायर ने कमर से ऊपर की नो बॉल करार दिया। यहां पाकिस्तानी फैंस का मानना है कि यह नो बॉल नहीं थी। दूसरा विवाद इसके बाद मिली फ्री हिट पर हुआ। इस पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए थे लेकिन बॉल बाउंड्री की ओर चली गई थी। इस पर कोहली ने भागकर 3 रन बना लिए। अंपायर ने इसे बाएं के रन माने, जबकि पाकिस्तानी सपोर्टर्स का मानना है कि यह नियम के खिलाफ रन है। इस पर भी काफी विवाद हो रहा है, मगर अब इसी विवाद पर 5 बार के अंपायर ऑफ द ईयर रहे साइमन टॉफिन ने पाकिस्तानी सपोर्टर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फ्री हिट पर लिए गए 3 रन नियम के अनुसार ही है, यह बाय के ही रन है। अंपायर ने जो भी फैसला लिया वह गलत नहीं है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अंपायर टॉफिल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद ज्यादातर ने मुझे वह फ्री हिट पर लिए गए कोहली के आउट होने और उसके बाद रन लेने के बारे में समझाने के बारे में कहा था। इसके बाद यह मामला समझाते हुए टॉफिल ने अंपायर के फैसले को सही बताया। टॉफिल ने कहा, अंपायर का बाय का रन देने का फैसला सही रहा। बल्लेबाज ने बॉल स्टंप पर लगने के बाद तीसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले तक 3 रन दौड़ लिए थे। पहले तो फ्री हिट पर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता, साथ ही स्टंप पर बॉल लगने से उसे डेड करार नहीं दे सकते। बॉल खेल में बनी हुई थी और बाय के नियम के तहत सभी शर्तें भी लागू थी। टॉफिल ने अपनी पोस्ट में नियम भी समझाया। इसके बाद टॉफिल ने नो बॉल को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि रिप्ले में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद कमर से ऊपर थी, फिर पता नहीं क्यों पाकिस्तान हार के बाद विवाद खड़ा कर रहा है।